एमएसएमई ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है ना ये 30-35 साल बड़े सस्ता ही है पर बदकिस्मती जो बंद ने कद इतने अपॉइंट किया इनिशिएटिव लिया ही नहीं बाकी इंडिया बहुत दे चल रहा है ये मैं गल पिछली मीटिंग साढ़े दिल्ली उठाई थी दिल्ली के मैंने सवाल था कि सुभाव करो ना करो तो हम अभी मीटिंग कर रहे हैं लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं अब मैं सुनिया इंडस्ट्री बहुत सारिया प्रॉब्लम है इन्हों हल करने की कोशिश करा बिल्कुल सरकार को यह देखना चाहिए कि तुम दूजियां मार के किसान ना बचाओ किसान का बनता हक हूँ दो इंडस्ट्री में देखो जे इंडस्ट्री नहीं कल कला किसान भी कम नहीं आना अज जिनी साड़ी अनइंप्लॉयमेंट है हिंदुस्तान के जे साड़ी MSME बंद हो गई मार पै गई तो तुम पता लखा जो नौजवान काम करते हैं लखा के करोड़ों के बच्चे ने वो सारे अनइंप्लॉयड रहेंगे अज एक पास तो साढ़े हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि असी आत्मनिर्भर भारत बना दूजे पास आप ही हो कहते 80 करोड़ लोगों असी 5-5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं ये मंगते ने फिर आत्मनिर्भर कितों गए जिहड़ा बंदा आत्मनिर्भर है उन्हूं 5 किलो अनाज लैण दी लोड़ नहीं है मेरी इन्हां नूं बेनती है कि तुसीं इंडस्ट्री नूं मजबूत करो MSME नूं अपने नूं करो मजबूत करो तां कि होर इंप्लॉयमेंट जनरेट होवे जिहड़ा 80 करोड़ दे लोग है उन्हां नूं काम मिले अपनी कमाई करके रोटी खाण लगन मंगते ना बन सरदार मलकीत सिंह बीरमी पुराने साढ़े पंजाब दे एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं पोलिटिकल फिगर भी रहे हैं और खुद वो आप इंडस्ट्रीलिस्ट ने तो सानू खुशी हुई है कि उन्होंने भारतीय उद्योग और व्यापार विंग जिहड़ा हैगा पंजाब चैप्टर की प्रधानगी ली है सरदार कृपाल सिंह सागर उन्दे नाल ने साढ़े SS बेदी जी नाल ने और उन्होंने पलेठा यतन करके साढ़े करीब करीब जिहड़ियां प्रीमियर एसोसीएशन ने लुधियाने दियां उन्होंने बुलाया तो मैं उन्होंने उत्थे वेलकम किया और ये गल मैं कही आ कि जिहड़ी साडी नीड है MSME सैक्टर की साडी लोड़ है जदों सरकार प्लैनिंग करती है जदों सरकार बजट एलोकेट करती है उहदे विच साडी कोई से नहीं कुछ से होंदी आ कारपोरेट सैक्टर की कुछ से होंदी आ वड्डे व्यापारियों की वड्डियां एसोसीएशनां की जबकि असी 41% ऑफ द GDP जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असी अर्न करके दिंदे आ MSME वाले तो अज साडे पंजाब नूं बड़ी वड्डी लोड़ आ साडे बच्चे बाहर जा रहे आ अगर असी कोई वधिया बिजनेस इत्थे एनवायरमेंट बनावांगे साढ़े कारखाने उच्च टैक्नीक नाल युक्त होणगे तो सानू जिहड़ी फाइनांस की सहूलत चंगी मिलेगी तो ही असी चीज़ अचीव कर सकते हैं तो मैनू लगता कि बीरमी साहब क्योंकि उन्हां कोल एक्सपीरियंस हैगा वो ये सारे नूं एकत्र भी कर जाणगे और नाल नाल साडी जिहड़ी इंडस्ट्री की बेहतरी लई कम करनगे रमेश कक्कड़ प्रेजीडेंट जसपाल बांगर इंडस्ट्री एसोसीएशन वालों अज असी जो मीटिंग दे विच आए हैं जो व्यापार मंडल की पंजाब वालों जो मीटिंग सी वो बहुत वधिया लगी और जो MSME और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वालों या मलकीत सिंह बिरमी वालों जो उपराला किया गया बहुत वधिया सी पर मैं एक गल कहनी चाहना कि आप नवी टेक्नोलॉजी गल जरूर करते हैं कि आटोमेशन दे नवी टेक्नोलॉजी आ जाए BNP CNC मशीन आ जाए पर चलनी कि बिजली नाल बिजली का हालत यह है कि कोई पता नहीं कदों लाइट आई और कदों चली गई है लाइट दी मान साहब तो कहें जो साढ़े CM साहब ने कि अख दे पक्के जिन्नी भी लाइट नहीं जाऊगी पर लाइट जे आनी नहीं तो अख दे पक्के जानी की है लाइट का यह हाल है कई कभी 2 घंटे लाइट नहीं आ रही कभी 3 घंटे नहीं आ रही और कोई रिस्पोंस भी नहीं व्यापारियों का बहुत नुकसान है एक बार लाइट चली जाए तो 2 घंटे CNC मशीन वगैरह दोबारा सैट नहीं होंगी की मांग है साड़ी मांग यह है कि साढ़ा जिस तरह
MSME या कहते हैं कि रॉ मटीरियल या फाइनांस का सपोर्ट कर रहे हैं। ये साड़ी मांग यही है कि बिजली भी साड़ा एक मेजर रॉ मटीरियल है, उस रॉ मटीरियल दे नू भी इन्हों MSME वालों कोई ना कोई यहाँ सिस्टम बनाया जिद के लाइट भी सू प्रोपर तरीके मिले जिद बिजली के नाल असं अपनी इंडस्ट्री चलावे। अज कई एसोसिएशन लुधियाने दियां इंडस्ट्री दियां कट्ठियां होईयां ने जिहड़ियां कि बिजली साहब दी सरपरस्ती दे विच कट्ठियां हो के अगे अपने जिक्रां दस रहियां ने ते उन्हां नूं आस है बिजली साहब उन्हां दा हल।